तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलाज, एक्सप्लेनेशंस और लर्निंग वर्क हुआ था, राइट। और आज हम अभी क्या करेंगे बच्चों, उसका एक्सरसाइज। ओके, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। चलो एक काम करो, तो खाली 5 मिनट सारे फॉर्मूला को रिकॉलिंग कर लो यदि आपके पास बुक्स है तो, या तो मैं काम करता हूँ यहाँ से खाली 5 मिनट, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट में आपका रिविजन हो जाएगा यदि लर्न किया होगा तो, थोड़ा इजी रहेगा आपको भी। फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर करवाए है ना फॉर्मूला सारे, देख लो। चलो एक बार जस्ट नजर घुमा लो, दो दो मिनट का सेशन रखूंगा, स्लाइड घुमाऊंगा 2-3 मिनट के अंदर, तब तक क्लियर कर लो। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, सॉरी, तो आवाज आई नहीं होगी, माइक म्यूट था, राइट। तो 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यस सर, 2 क्यूब ऑफ इच वॉल्यूम 64, दोनों का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64। ओके, नाउ ऐसे उसको अरेंज कर दिया, yes, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कोई बता सकता है कैसे करूं? देखो एक का वॉल्यूम है 64, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एल क्यूब, है ना, बोलो एल क्यूब। यस सर, तो बच्चों 64 का 64 का क्यूब 8 होगा, 8 जा 64, हां कि ना? नो सर, नो सर, 4 होगा। वेरी गुड। देखो स्क्वायर और क्यूब में पता चल रहा है ना, स्क्वायर यानी कि 2 बार और क्यूब यानी कि 3 बार, तो 4 जा 16, 4 जा 64. L की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 सेंटीमीटर, साइड मिल गई हमें 4 सेंटीमीटर। यस सर। ओके, अब देखो, अब ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, राइट। तो कुछ बच्चों बता सकते हो कि दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूं तो कौन सा डायमेंशन सेम रहेगा, यानी कि कौन सा डायमेंशन सेम रहेगा। देखो हाइट सेम रहेगी, हाइट ये क्यूबॉइड की भी सेम है और ये एक क्यूब की थी तो भी सेम थी, ये क्यूब की भी सेम है, दोनों को मिला के तो भी हाइट तो सेम ही रही, हाँ कि ना? Yes, yes, तो हाइट कितनी होगी, अब ये देखो लेंथ एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, इस क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ मैंने अटैच किया, थोड़ा अच्छे से बना नहीं लेकिन समझ लेना, आपके पास 2 क्यूब हो तो दोनों को मिला दो एक साथ, तो आप देखोगे तो इसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, जो 4 थी, क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम रहेगी। दूसरा आप देखोगे दोनों को ऐसे मिला होगे तो जो ब्रेथ थी वो भी सेम रहेगी, ये जो भाग है, समझ में आया, देख लो ये जो भाग है वो भी सेम रहेगा, ये हाइट सेम रही और ये ब्रेथ भी सेम रहेगा, दोनों को मिलाने से ये ब्रेथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो ब्रेथ भी क्या मिली आपको, 4 सेंटीमीटर। बच्चों लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, अब ये क्यूबॉइड बन गया तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया, अब जो नया क्यूबॉइड बना 2 क्यूब को मिला के, उसका डायमेंशन पता चल गया आपको, एल बी और एच। यस, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना। अब यहाँ कुछ बोला नहीं है कि कौन सा एरिया, तो क्या ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था बोलो, 2 L B plus B H plus H। अब डेटा आपके पास है, L की वैल्यू 8, B 4, H 4, L 8, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32,
32 64 64 16 90 ना 18 सही है ना। बोलो बच्चों yes. समझ में आ गया? यस सर। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे निकाल। एक क्यूबॉइड है मेरे पास, ये सॉरी एक क्यूब है। अब इसकी लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4, हाँ कि ना? ये yes. सारा जो डेटा मैंने ड्रॉ किया वो 4 4 4। अब मैं यहाँ दूसरा क्यूबॉइड अटैच कर रहा हूं, थोड़ा मेरा इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है आपको पता है, ओके तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ इतना। तो क्या हो रहा है? हाँ बन गई। चल अब ये दूसरा क्यूब ऐड किया तो इसके भी 4, तो ये जो क्यूबॉइड बना सिंगल क्यूबॉइड, अब इसमें ये ब्रेथ तो सेम ही रहने वाली है, इस क्यूबॉइड की ब्रेथ तो 4, इसकी हाइट भी 4 yes, रहने वाली है sir. तो चेंज हुआ किस में चेंज हुआ बच्चों? लेंथ में चेंज हुआ yes, जो टोटल 4 और 4, इसकी 4 थी इसकी 4 थी तो टोटल हो जाएगी 8। आई होप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना? यस सर। बस अब नया लेंथ नया ब्रेथ नया हाइट मिल गया। लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सेम रहा, खाली लेंथ में चेंजेस हुआ, डबल हुआ। तो वो यूज्ड करके हम उसका टोटल सरफेस एरिया, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल ले तो हमें आंसर मिलेगा LBBHHL से 160 मीटर। आगे बढ़ू बोलो यदि समझ में आया? यस सर। जब तक नहीं समझ में आया ना तब तक पूछ लो, दो बार नहीं तीन बार पूछोगे तो मैं समझाने बैठूंगा। देखो चाहो ना बच्चों तो मैं आपको ये लेक्चर, वैसे तो चलो ये चैप्टर हमारा रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी तो सारे चैप्टर रिकॉर्डेड। चाहो तो सेकंड चैप्टर ऐसा बोल देता था ना, आज का ये वीडियो लेक्चर है देख लेना और नेक्स्ट सेशन में दो तीन लेक्चर के बाद में वीडियो डाउट लेक्चर रख सकता तू, हाँ कि ना? समझो कॉन्सेप्ट वैसे तो एक ही चीज है जो मैंने उस टाइम पढ़ा वही यहाँ पढ़ा हुआ। स्टिल मुझे भी पता है कि ये शायद ऑफलाइन के बाद वापस मुझे रिवीजन करवाना पड़ेगा, तो मैं अभी ऐसा ही सोच सकता हूँ कि वीडियो लेक्चर भेज दे, तो ऑफलाइन के बाद वैसे पढ़ाना ही है ना वापस रिवीजन के अंदर। तो बट स्टिल मैं फिर भी लाइव लेक्चर ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरा गोल ये होता है कि मैं यदि कुछ काम किए बिना आपके पास से फीस लू ना तो मुझे हजम नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके तो वीडियोज तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ओके वो रिविजन्स के लिए होता है, एक बार तो सीखने के लिए लाइव जरूरत होती है हमें, ओके चाहे वो क्लासेस हो चाहे स्कूल हो, तो इसीलिए हम यहाँ लाइव लेक्चर ले रहे हैं। अदरवाइज हमने काफी सारे साइंस का जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ आपको पता है ऑलरेडी वो लेक्चर रिकॉर्डेड ही है मेरे पास, तो भेज सकता हूँ ना मैं फ्री रहूँ एकदम मस्त, जल्द से ना करूँ वैसे जब तक बंद है तब तक। तो क्यों नहीं कर रहे लाइव लेक्चर ले रहे? क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं वीडियो भेजूंगा तो उसमें से 50% स्टूडेंट तो देखेंगे भी नहीं, ओके ये लाइव लेक्चर में वो कितने अटेंडेंस ले लेके थक जाते तब वो आते हैं तो वीडियो तो कहाँ से देखने वाले, हाँ कि ना? सच बताओ। और इतने इफेक्टिव होता है वीडियो लेक्चर्स फर्स्ट टाइम पे तो लाइव ही चाहिए, रिविजन्स करवाना हो तो वीडियो देख लो चलेगा, हाँ बाद में एब्सेंट हो और वीडियो देखना हो तो अलग चीज, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होगी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो आप भी अपना 100% एफर्ट डाल के ही समझ लेना, जो बच्चों फर्स्ट ट्राई के अंदर लाइव लेक्चर्स में जो अच्छे से समझ लेता है ना बच्चों उसको रिकॉर्डेड वीडियो की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और या पड़ती है तो एक बार ही पड़ती है खाली। और मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ एक बार लाइव देखो और एक बार वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। एप्लीकेशन का पासवर्ड आईडी मैंने बता दिया, जिसको प्रॉब्लम हो यहाँ आके मैम के पास डाउनलोड करके सीख जाना कैसे वीडियोस देख सकते हो, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ऐड कर सकते हो, ये सब कुछ, ओके चलो सेकेंड नंबर। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर बच्चों कैसा होता है? ऐसा हाँ कि ना? Yes, sir. ये होलो हेमिस्फीयर। Yes, sir. माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर है, दूसरा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है बच्चों और ये है सिलेंडर, तो ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, तो बच्चों रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ओके
अब यहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये पूरी वेसल है उसकी टोटल हाइट दी है। अब समझ में आया, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम क्या था, कोई सिंगल सॉलिड सिंगल हो तो सिंगल का ही ले लेते, सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर ऐड हुआ, देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, समझ में आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी नाइन्थ स्टैंडर्ड के सर्फेस एरिया नहीं देखा है, तो अभी चल रहा है गुजरात बोर्ड में सीबीएसई वाले स्टूडेंट, अभी हम मैथ्स के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम ही चला रहे हैं, इसलिए यदि आपको अच्छे से क्लियर ना हो तो वापस देख लो लेक्चर्स, ओके। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला हूँ किसी के पास से, ओके। सीखी हुई नॉलेज कभी कहीं जाने नहीं वाली है, तो अच्छे से क्लियर होगा ना नाइन्थ, तो टेंथ में और मजा आएगा आपको। टोटल हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दी है, कितनी 13 सेंटीमीटर, देखो ये हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, देखो बच्चों ये सेंटर होता है, तो आपको पता है कि स्पीयर से कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करो रेडियस होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो उसका ऊपर का भाग में यदि निकाल दू तो बच्चों ये जो भाग है वो रेडियस हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ये भाग हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। Yes, sir. जो आपको yes, दिया sir. हुआ 7 सेंटीमीटर, हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो बच्चों ये सिलेंडर का हाइट कितनी, टोटल हाइट 13 है, टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की एंड तक, उसमें से जो हेमिस्फीयर है उस 7 सेंटीमीटर का है, तो बच्चों ये सिलेंडर की जो एक्चुअल हाइट होगी कितनी होगी, वेरी गुड वेरी गुड, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गया आप? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि यार सिलेंडर का रेडियस नहीं दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व कर पाओगे बोलो सर? पर सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का सेम ही होगा ना, कि ये हेमिस्फीयर का जो टॉप होता है वो सर्कल ही होता है ना, सिलेंडर का बेस सर्कल ही होता है ना, एक दूसरे के ऊपर है, तो ये जो रेडियस होगा वही तो सिलेंडर का रेडियस होगा, दोनों का रेडियस सेम है, हाँ ना बोलो? यस सर। यस सर। अब आपको जो भी चाहिए था वो डेटा मिल गया, अब निकाल लेते। देखो हमारे पास एक बार ये डेटा मिल जाए ना तब कोई भी सम सॉल्व कर लेते। इनर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इनर सरफेस एरिया बच्चों क्या फाइंड करना है? इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस क्या करोगे बोलो? इनर सरफेस एरिया यानी कि क्या? यह सिलेंडर और ये, अरे 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 सर वन साइड ओपन वाला, ना 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 ना, ना। देखो मैंने क्या बोला था, इनर सरफेस यानी कि अंदर का एरिया, ये भाग सर लेटरल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। यस, ये सिलेंडर का कर्व भाग है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, हाँ कि ना? यस सर। इनर ये कर्व सर, और ये दूसरा ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल पूछा, वेसल यानी कि पूरे बर्तन है उसका, तो मैं क्या करूंगा काउ सरफेस एरिया सिलेंडर का लूंगा प्लस काउ सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लूंगा, हाँ ना बोलो? यस यस सर। काउ सरफेस एरिया सिलेंडर का लेंगे और काउ सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लेंगे, फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का काउ सरफेस एरिया? 2πRh, 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 हेमिस्फीयर का 2πr² 2πr² 2πr. अब देखो दोनों में रेडियस तो सेम ही है, yes. तो दोनों में r 2πr कॉमन निकाल सकता है, 2πr, yes sir. तो यहाँ h बचा और यहाँ यहाँ r स्क्वायर में से आ गया तो एक r बचा, अब डाल दो देते, ये r किसका है? हेमिस्फीयर का, ध्यान रखना हो, वैसे तो सभी सेम ही है इसलिए टेंशन नहीं है, हर बार ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते बच्चों, ध्यान दो, यहाँ 7 होता और यहाँ 5 होता तो ऐसे आर कॉमन नहीं निकल सकता, क्यों? ये आर की वैल्यू 7 है और ये आर की वैल्यू 5 है, तो तब आपको क्या करना, R1, R2, H1, H2 ऐसे डालना पड़ता है। चलो वैल्यू डाल देते, 22/7, आर की वैल्यू है 7, हाइट एच आपको दी है 6 और रेडियस आपको 7, 7 कट हो जाएगा बच्चों? कितना होगा? 13
देखो बच्चों जागते रहे ना, मैं जानबूझ के कोई गलती करते रहूंगा, एक सम के अंदर एक आध गलती कर दूंगा जो आपको मुझे पकड़नी है कि क्या गलती की, जानबूझ के ये बोलता हूँ। ऐसे आपको पता है कि मैंने, मुझे तो पता ही होता है ना 77 नहीं कट होता। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते सर सर को इतना भी नहीं पता होगा कि ये 77 कट नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? मेरी थोड़ी पढ़ाने की मेथड डिफरेंट है, जानबूझ के कभी भी गलती करते रहूंगा, आपको ध्यान देना है। और आप जागते रहो ना तो पता तो चले कोई सो नहीं गया ना क्लास के अंदर लेक्चर्स में। ऐसे इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ाता हूँ कि नींद आए, लेकिन फिर भी यार आ सकते मैथ्स। ओके मैथ्स है, कितना भी अच्छा समझाने वाला हो लेकिन एक बार नींद आ जाए तो आ जाती है। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे बच्चों? 572 सेंटीमीटर। चलो सेकंड नंबर में कोई डाउट बच्चों क्वेश्चन के अंदर? हाँ ना बोलो। नो सर। पूछा कोई बता सकता है यदि मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो क्या आंसर आता? एक मिनट हो बच्चों। चलो बच्चों 572 क्लियर है बच्चों सेकंड नंबर का? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके चलो नो थर्ड नंबर। ओके मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ। इसमें मैंने टोटल सरफेस एरिया का पूछा था, क्या करते बोलो इसका इसका टोटल सरफेस है। सेमी आता सर। और सरफेस एरिया और सिलेंडर का वन साइड ओपन ओपन वाला? ना 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 डबल कर देते। क्या कर देते? डबल सर। कैसे? देखो ये इनर कर्व सरफेस। अब देखो होलो का मीनिंग क्या, ये मुझे सब कुछ दिख रहा है, हाँ कि ना? Yes, तो ये जो भाग होगा, ये भाग अंदर का वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये बाहर का भी होगा ना जब ओपन है तो सब कुछ टोटल सरफेस एरिया, यानी कि क्या कि जो मुझे दिख रहा है वो। और ये वेसल का पूछा है ना, इस वेसल के लिए तो ये भाग भी सरफेस एरिया है और ये भाग भी सरफेस एरिया, यहाँ का ये भी सरफेस एरिया और ये अंदर का भाग भी सरफेस एरिया, तो दो बार आएगा इनर आउटर। इसलिए हमने इनर निकाला तो सेम यही चीज आउटर में होगी डबल। समझ में आया? यस सर। ये वाला समझ में नहीं आया। क्या ये डबल करना? यस सर। समझो कि मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ऐसा होता है ना जनरली, पानी का ग्लास कैसा होता है? ऐसे नीचे हेमिस्फीयर जैसा, हाँ कि ना? Yes. अब कोई मुझे पानी के ग्लास के अंदर ऐसा बोले कि जितनी जो मटेरियल है ना हर एक पानी के ग्लास है उसके ऊपर गोल्डन कलर का पॉलिश करना है, गोल्डन कलर का, कहाँ करोगे आप? अंदर करोगे? बाहर करोगे? तो ये क्या हुआ, उसका टोटल सरफेस एरिया भी हुआ। जब भी कोई भी चीज को कलर करना डेट मीन्स वो सरफेस एरिया हो गया। तो कहाँ करोगे? अंदर की साइड में भी ये देख करोगे और बाहर की साइड में भी करोगे, इसलिए इसका अंदर इनर का वो सरफेस भी आएगा और आउटर सरफेस भी आएगा जब टोटल सरफेस एरिया पूछे तो। अब देखो आपके माइंड में ये सब भी सर टोटल सरफेस एरिया का तो वो फॉर्मूला नहीं था सिलेंडर का 2πrr + h या तो कर्व सरफेस एरिया का 4πr² आपके माइंड में ना होना चाहिए ना, ये सर 2πr² होता है तो टोटल का 3πr² होता है, हाँ कि ना? आपने ऐसा बोला सर डबल केस है, ये तो 2πr² हेमिस्फीयर का। देखो बच्चों आप है ना अभी भी वो फॉर्मूला के अंदर फंसे हुए हो। ओके ये चैप्टर का खेल यही है कि आपको वो पता चलना चाहिए कि अब डायरेक्टली खाली फॉर्मूला आ गए और चैप्टर आ जाएगा ऐसा नहीं बनेगा। इसके अंदर नाइन्थ में हो गया सब कुछ ऐसा, टेंथ में ऐसा सामने नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट करूँ, ये पूरा बर्तन छोड़ दो, खाली हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर ऐसा होता है बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. अब यहाँ क्या लिखा हुआ, होलो सिलेंडर। होलो यानी कि यहाँ से ओपन है, तो जब मुझे पूछ रहा हूँ सरफेस एरिया तो अब क्या लोगे? कर्व सरफेस एरिया ये लोगे? Yes. ना बोलो। यस सर। और
और यदि होलो है तो अंदर का भी एक बग हुआ कि नहीं? Yes, sir. बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर हाँ कि ना, ये बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि ये जो मटेरियल है वो एकदम छोटा पतला सा है तो उसका रेडियस मिनियर अबाउट सेम होगा, तो अंदर का भी 2 पाई आर स्क्वायर हुआ डबल। हाँ ना बोलो, आउटर और ये इनर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो टोटल की बात कर रहा हूँ ना वो ऐसे, ये बेस लेना नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेस है ही नहीं ना, होलो है तो बेस है ही नहीं, ये तो ओपन ही है, होलो है इसलिए। फिर भी मुझे ये पूछे कि कोई कि इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करोगे हम? इनर और आउटर दोनों लेंगे। अब समझ में आया? यस सर। हमने स्पेसिफाई किया था इनर सरफेस एरिया, इसलिए इनर का भाग लिया, ये भाग लिया खाली, अंदर का पर ये जो रेड कलर जो घूम रहा है वो साइड। अब जब मुझे ऐसा पूछा होता कि इनर नहीं होता और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो मैं ये बाहर का भाग भी ले लेता। तो जब भी सरफेस एरिया पूछे तो माइंड में ऐसा याद रखो कि ये मटेरियल आपके पास जो है उसको कलर करना हो, या तो कौन सी चीज जो भी सरफेस आपको दिख रहा है ना वो सरफेस एरिया टोटल के अंदर डाल देना, जो भी सरफेस दिख रहा है। इसमें क्या क्या दिख रहा है? तो अंदर का भाग दिख रहा है, बाहर का भाग दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया। और वो हम इसलिए को बोल रहे थे इसका टोटल, जब वो क्लोज था ना तब हमें अंदर का भाग नहीं दिख रहा था, तो हम कलर करते तो खाली ये भाग में बाहर करते और ये भाग में टॉप पे करते, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर आया था। अब समझ में आया सम? यस सर। यस सर। यहाँ जब भी मैं खोलूंगा, इसको खोल दूंगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्यों? तो बाहर का तो था, अंदर का भी एरिया हो गया। ये पहले क्या था, ये क्लोज था तो अंदर का एरिया हम नहीं लेते थे। अब जो एरिया मुझे दिख रहा है, जो भाग जो दिख रहा है वो उसका सरफेस एरिया हो गया। हाँ कि ना? सभी को धीरे धीरे हो गया, बहुत सारे सम प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट, जैसे कोई चैप्टर खत्म करे उसके मैं डीपीपी भेजूंगा। डीपीपी यानी कि क्या, उसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बार के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हो गए। और यदि लॉन्ग टर्म यदि चलना होगा ये अभी ये ऑनलाइन, तो हम वो कौन सा चीज फाउंडेशन का मटेरियल वो भी स्टार्ट कर देंगे, राइट? ये चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर सरफेस एरिया का फाउंडेशन कर देंगे इस चैप्टर के बाद, यदि ये लॉन्ग टर्म ऑनलाइन चलेगा तो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, एक टॉय है फॉर्म ऑफ कॉन, ये कॉन है, माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर। अब समझ में आया ऊपर वाला जैसा ही क्वेश्चन हुआ, हाँ कि ना? बस वहां सिलेंडर था, यहाँ क्या है, कॉन है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट कितनी दी है बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉन है उसका रेडियस कितना है? 3.5। तो ये भी 3.5 ही होगा ना? यस सर। रेडियस तो सभी डायरेक्शन में सेम ही होता है, यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है। ये कितना हुआ? 3.5। बच्चों ये कॉन की हाइट कितनी मिली है बोलो? 12 सेंटीमीटर। कॉन की हाइट 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो बच्चों तो 12 सेंटीमीटर मिली। ओके, रेडियस तो आपको पता है ये 3.5 है, हाँ कि ना? यस सर। ओके, अब हेमिस्फीयर की बात करेंगे। हेमिस्फीयर का खाली रेडियस की जरूरत होती है, उसमें हाइट बाई नहीं होती है। ओके, उसके फॉर्मूला में पता है कि आप 3 पाई आर स्क्वायर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब आ ही आता है। ओके, दूसरा कोई टर्म्स नहीं आएगा। चलो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको? टोटल सरफेस एरिया, जब भी मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया तो आंखें बंद करके वो नहीं डाल देना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ना 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 ना, ये गलती मत करना एग्जाम में। ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि इस कौन का जो एरिया मुझे दिख रहा है वो उसका टोटल सरफेस एरिया। बोलो चलो, इस टॉय के अंदर मुझे कौन कौन सा भाग दिख रहा है, कोई बता सकता है? इस कौन का कौन सा भाग दिखेगा बोलो? समझ में आया? जब टोटल सरफेस एरिया पूछे तो ऐसा नहीं कि कौन का टोटल सरफेस एरिया डाल दिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो दिखे वो लिखना है हमें। ओके, जो ढक जाएगा अंदर चला जाएगा, जो अंदर के डायरेक्शन अंदर के भाग में चला जाएगा वो नहीं लेना, बाहर का वाला भाग लेना है हमें जब क्लोज है तो। तो कौन का कहो सरफेस एरिया फॉर्मूला? पाई आर एल। हेमिस्फीयर का
एल नहीं है यहाँ, याद करो एल का कुछ फॉर्मूला आता था, साइड में कर देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। यस सर, एल एल स्क्वायर प्लस लेटरल हाइट स्क्वायर, ये लेटरल हाइट को एल बोलते, ये हाइट है एच जो आपको दी है 12 और ये है रेडियस 30। फिगर यदि ड्रॉ करो थोड़ा सा फील ना हो तो, ये 3.5, ये रेडियस सॉरी स्लेंट हाइट एल और ये हाइट है 12। तो एल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। कौन सा लो यहाँ मैंने अप्लाई किया, कोई बता पाएगा? हाइपोटेनियस। क्या हाइपोटेनियस? पाइथागोरस। हाइपोटेनियस लो किसने बताया बताओ, मैंने नहीं सीखा इतने की अपनी अपने मैथ्स के एज अ करियर एज अ स्टूडेंट लाइफ और टीचिंग लाइफ में अंदर मैंने कभी नहीं हाइपोटेनियस फॉर्मूला सीखा, थ्योरम सीखा। आप कहां कहां से सीख लेते हो यार, पता नहीं चलता मुझे हाइपोटेनियस थ्योरम यार, जिंदगी मैंने पहली बार सुना हाइपोटेनियस थ्योरम। चलो 3.5 का स्क्वायर बच्चों 12.25 कितना आएगा? 12.20। उसमें 144 ऐड करो 156.25, और 156.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12.5। बोलोगे सर कहां से आया ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है सभी को? यस। अगर जिसको नहीं आई तो मुझे याद करवाना, तो बाद में करवा दूंगा कभी भी। हाँ ये चीज नहीं आ रही है स्क्वायर रूट निकालना, अब चाहो तो ये तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो ये बच्चों। 156.25 तो 156.25 0.25 नीचे 100 तो 100 का 10 और ये का फैक्टराइजेशन किया, याद है ना? और दो दो के ग्रुप बनाते हैं बाद में फैक्टर निकालते हैं। हरंस फॉर्मूला, हरंस फॉर्मूला में बहुत बार स्क्वायर रूट निकाला था। चलो तो एल की वैल्यू मिल गई 12.5। अब देखो बच्चों यहाँ पाई और आर सेम है दोनों में, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है इसलिए दोनों सेम है। तो मैं पाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2R। हाँ ना बोलो 2R 22/7। आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू मिली 12.5 प्लस 2 आर है 3.5। स्टार्ट कर दियो, केल्सी आसपास लेके कोई बैठा है, कौन है? आवाज आ रही है मुझे केल्सी की? कोई बात नहीं करो, चलो इतना मुझे मेहनत ना करनी पड़े। कितना है आंसर केल्सी वाले, बोलो? आया होगा तो भी नहीं बोलेगा कोई। इसका आंसर आया 214.5। कितना आ रहा है बच्चों? 214.5। चलो कोई डाउट किसी को सम के अंदर? समझ में आ गया ना बच्चों कैसे फॉर्मूला लगाना है, बनाना है? ये ऐसा आके बन करके टोटल सरफेस एरिया पूछा तो डायरेक्ट नहीं डाल देना कि कौन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, हेमिस्फीयर का 3πr² तो रॉन्ग होगा आपका आंसर। ओके, क्योंकि इसके टोटल के अंदर ये जो भाग जो हम गिन रहे थे ना टोटल में, वो अभी नहीं दिख रहा है हमें, और जो चीज नहीं दिखती वो कहां से आ जाएगी एरिया में। चलो बच्चों नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक ये क्यूब सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, बोलो। 7 कॉमन सेंस है कि भाई 7 ही आएगा ना, सबसे बड़ा डायमीटर कितना होगा तो जितनी साइड है उतना आएगा मैक्सिमम, तो ये जो साइड है 7 सेंटीमीटर की तो उतना डायमीटर आएगा, बोलो क्लियर है? तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो फर्स्ट तो ऐसे डायरेक्टली मिल गया आपको 7। चलो दूसरा फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। फिर से थोड़ा बना देता हूं,
चलो बताओ कैसे करोगे। करो करो, हमें टोटल सरफेस सरफेस एरिया फाइंड करना है सेकंड केस में। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, चलो और क्यूब का वन साइड ओपन सरफेस। सर लेस देन 1 मिनट बची है, एक काम कर दो, रीजॉइन कर लो। चलो पहले तो रीजॉइन कर लो फटाफट से सारे।